आप देख रहे हैं हॉलीडे सन ट्रैवल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा 5 दिन के डलहौजी और धर्मशाला टूर पैकेज की। सारी जानकारी दूंगा, आखिर आप कैसे यहां पे आ सकते हैं, कौन सी जगह जो है आप जाएंगे घूमने के लिए, आइटनरी क्या रहेगी, कितना खर्चा आपका आएगा और कहाँ से आपका पिकअप और ड्रॉप रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें जो डलहौजी और धर्मशाला आना चाहती है। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि डलहौजी और धर्मशाला टूर पैकेज के जो है आपको कहाँ पे आना होगा। तो जो इजीएस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप ट्रेन लेके सीधा पठानकोट आ सकते हैं, जो कि पंजाब के अंदर है। पठानकोट से फिर हम आपको पिकअप करेंगे, जो कि आपका डे वन होगा। पठानकोट से सीधा जाएंगे हम डलहौजी की तरफ और फुल डे का डलहौजी का जो लोकल साइट सीन है वो रखेंगे, जिसमें गांधी चौक, सुभाष चौक और भी वहाँ छोटे छोटे स्पॉट्स हैं वो कवर हो जाएंगे आपके डे वन पे। तो नाइट स्टे जो है वो फिर डलहौजी में रहेगा। इसी तरह अगर मैं दूसरे दिन की बात करूँ तो दूसरे दिन हम डलहौजी से निकलेंगे खजियार की तरफ। फुल डे का साइट सीन होगा खजियार में, वहाँ पे आप पूरा दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं और इवनिंग में हम वापस जो है वो डलहौजी आ जाएंगे। जो नाइट स्टे है हमारा दूसरा वो डलहौजी में ही रहेगा। अब अगर मैं तीसरे दिन की बात करूँ तो तीसरे दिन हम मॉर्निंग में निकलेंगे डलहौजी से सीधा धर्मशाला के लिए और धर्मशाला में हम जो वहाँ के लोकल पॉइंट्स हैं, जो साइट सीन्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम जो है एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट है उसको कवर करेंगे। और जो रात का स्टे है वो धर्मशाला या मैकलोडगंज में, जहाँ पे भी आपका होटल होगा वहाँ पे रखा जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ फोर्थ डे की, तो फोर्थ डे हम निकलेंगे अपने होटल से और उस दिन पूरा दिन हम मैकलोडगंज के जो लोकल साइट सीन है वो कवर करेंगे, जिसमें डल लेक है वहाँ पे, दलाई लामा टेम्पल है, वाटरफॉल है, ये सारे जो लोकल साइट सीन है वो उसमें आ जाते हैं। फुल डे के लोकल साइट सीन रहेंगे मैकलोडगंज के और नाइट स्टे जो है वो फिर से धर्मशाला के या मैकलोडगंज के होटल में रहेगा, जहाँ पे भी आपका स्टे होगा तो वहाँ रखा जाएगा। अब अगर मैं पांचवें दिन बात करूँ तो पांचवें दिन हम निकलेंगे अपने होटल से, चेकआउट करेंगे और चेकआउट करने के बाद सीधा हम जाएंगे पठानकोट, क्योंकि आपकी ट्रेन जो है आगे की वो पठानकोट स्टेशन से ही होगी, तो वहाँ पे हम आपको ड्रॉप करेंगे। तो इस तरह से एक 4 रातें और 5 दिन का ही आपका डलहौजी और धर्मशाला का ट्रिप जो है वो रेडी हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ कि इस ट्रिप में खर्चा कितना आएगा, तो जो खर्चा होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में आ रही हैं, किस तरह के होटल्स में आप जा रही हैं, होटल कैटेगरी क्या है, जैसे 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, तो उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। बाकी क्योंकि साल में 3-4 तरह के रेट्स होते हैं सीज़न वाइज, तो वो भी डिपेंड होता है। बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए, विजिट करिए, सारी जानकारियाँ जो है वहाँ से आपको मिल जाएंगी। और इस तरह से आप 4 रातें और 5 दिन में जो है धर्मशाला डलहौजी को कवर कर लेंगे। आप गर्मी आ रही है तो जो भी लोग गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आना चाहते हैं तो वो हमें कॉन्टैक्ट करें, बेस्ट पॉसिबल जो भी पैकेजेस हो पाएंगे आपके हिसाब से, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।